मम्मी आज क्या बना रहे हैं भोग? आज हम भोग बना रहे हैं। पूजा के रूप में अष्टमी में बनता है उसी को हम भोग कहते हैं। और खिचड़ी जो होता है वो अलग होता है, उसमें लहसुन प्याज व्याज वगैरह डाला जाता है, मगर भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमने चावल लिए हैं, अरवा चावल गोलदाना, आप कुछ कोई भी कतरनी लीजिए, साधारण अरवा चावल। और इनका जो माप है ये गिलास है, एक गिलास चावल आप लीजिएगा। अब उतना चावल से भोग नहीं बनता, वो अरवा चावल से बनता है। आपका मूंग का दाल है, जितना हमने चावल लिया उतना ही हमने दाल लिया, तो इनको अभी कच्चा है तो इनको हल्का सा भूंजना पड़ता है, भूंज के तब चावल में डालना पड़ता है। उसके बाद हमने मीठा लिया गुड़, भोग में गुड़ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, चीनी नहीं डालते हैं। ये हल्दी है, हल्दी जो है आपका कलर आता है, हल्दी डालना जरूर। ये तेल है जो सब्जी का प्रयोग करते हैं, कौन सा तेल? सरसों का तेल है, सरसों। और ये गोटा जीरा, जीरा और मिर्चा, ये चार मिर्चा आपको लेना है और इनको पीसना है, आदि को भी पीसेंगे। ये अदरक लिए 2 इंच, आदि मिर्चा और जीरा को एक साथ जार पे पीस देंगे। उसके बाद हरी सब्जी, छोटा सा एक हमने 2 इंच का एक बंदा गोभी लिए हैं, उनको धो के साफ करके रखते हैं। उसके बाद 2 पीस आलू लिए हैं, आलू को भी 2 पीस धो के रखना है। और थोड़ा सा धनिया जो लास्ट में डालते हैं। और ये गाजर है, 1 पीस गाजर आप लीजिएगा, ये उनको धो के और साफ करके रखना है। और एक मूली लिए हैं, 1 पीस मूली, उसको भी धो धा के आपको रखना। और 4 पीस हमने फूलगोभी लिए, अच्छा तो ये और एक टमाटर लिए, ये बंदा गोभी है, ये फूलगोभी है और टमाटर एक आप ले जी हमने लिया है। और ये गाजर और इनको छोटा छोटा पीस काट के। और ये क्या है? ये गरम मसाला पाउडर है, अच्छा उनको हमको भोग में डाले। और ये है नमक, तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छा। सारा सामान जो है हर किचन में आपको मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले दाल को भूनेंगे, क्योंकि ये कच्चा दाल है, दाल को हम पहले भूनेंगे जी। और गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद हम दाल को हल्का सा भूनेंगे। तो अब इसको हम अलग से निकाल देंगे। तो अभी आप सब्जी काटेंगे। अच्छा, इधर आप घी भी निकाल के रख दिए हैं, भोग में घी डाला जाता है, घी डालना जरूरी होता है। अब हम सब्जी काटेंगे। सब्जी तो ये सारा वेजिटेबल्स हम लोग अब काट के इसको हम लोग रेडी रख चुके हैं। कढ़ाई पे 4 चम्मच तेल डालेंगे, तेल गरम हो चुका, देखिए धुंधा निकल चुका है। हल्का सा 1/2 चम्मच हम जीरा लेंगे, ठीक है, जीरा को इसमें डालेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है। उसके बाद हम गोभी डालेंगे, गोभी को थोड़ा सा लाल का सा भूनना है, गरमा नहीं चाहिए, गोभी को फ्राई करना जरूरी है। फिर आलू डालेंगे, आलू डालेंगे, ये चावल और दाल के हिसाब से ही आपको सब्जी डालना, ज्यादा नहीं डालनी जी, ज्यादा नहीं, फिर सब्जी ज्यादा कम हो जाए। अब आलू डाल दिए, उसके बाद गाजर डालेंगे, उसके बाद मूली डालेंगे, नमक को भी अभी हम डाल देंगे, गोभी डाल दे चुका है। तब तक हम क्या करेंगे, इनको मसाला इनका तैयार करेंगे। ये 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 4 हरी मिर्च मीडियम साइज का, ज़्यादा नहीं,
क्योंकि ज्यादा भोग में झाल नहीं होना चाहिए, तीता नहीं होना चाहिए। और दो इंच है आपका अदरक, अदरक आपको डालना जरूरी है, हल्का सा पानी डाले हैं ताकि वो जीरा जो है मिक्स अच्छा से मिक्स हो। तो अब हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, ठीक है। अब ये हो चुका है, थोड़ा गोटा भी रहने से देखिए अब हो गया है। इसको हम सब्जी में डालेंगे, सब्जी अब गल रेडी है जी। सब्जी देखिए हल्का सा नरम हो गया, पूरा नरम हो गया। अब हम इसको ये जो पीसे हैं जीरा और आदि और का पेस्ट मिर्चा इसमें डाल देंगे, इसी से आपका उसके बाद हम ये बंधा गोभी जो काटे थे उसको हल्दी डाल, हल्दी देखिए इतने ही टाइप खिचड़ी में भी डालना पड़ता है तो आधा चम्मच डालेंगे। चलाते रहिए और टमाटर को डालिए, टमाटर की क्या होता है कि सब्जी भी कच्चा हो जाए, दो मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे, हाँ ढक देंगे ताकि वो कच्चा ना हो। हाँ हो गया देखिए एकदम नरम हो गया, इनको अलग रख तुरंत ही ये सब्जी आप तैयार हो गया है। हाँ भोग मनाने के लिए देखिए एकदम, और कढ़ाई पे भी नहीं लगा है और आपका आलू भी देखिए नरम हो गया है। सब डेगची बैठाएंगे, अच्छा उस डेगची में 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी पूरा डेगची में, पानी आप भी उबल गया देखिए। हाँ। हाँ। आप उसमें ये मूंग दाल आप उसमें डालें, डाल सकते डाल दीजिए, थोड़ा सा चला के भी चलाते रहेंगे जैसे ये चावल हमने देखिए धो दिए थे। धोना तो जरूरी ही रहता है, चावल का गंदगी दूर हो जाता है। तो अब चावल भी हम इसमें, अच्छा, इसमें डाल देते हैं। अब 1 चम्मच हम घी डालेंगे और हल्दी डालेंगे, अच्छा अभी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक हमने 1 चम्मच स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं 1 चम्मच। आपको 20 मिनट तक, अब बीच बीच में आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 10 मिनट में आए क्योंकि बाकी का जो 10 मिनट है उसमें हम लोग सब्जी डालेंगे तो ये चावल हो गया। हाँ हाँ ये चावल हो गया, ये आप उसमें डालेंगे और फिर उसको 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे ताकि, अरे स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा भोग टाइप का आ रहा है। गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे ताकि उसका गंध आए। ये देखिए थोड़ा सा आधा चम्मच और 1 थैला आपका गुड़ डालेंगे, गुड़ डालेंगे। हाँ वो मीठा थोड़ा लगेगा, मीठा तो बनना चाहिए, भोग तो मीठा ही होता है। तो 10 मिनट हो गया है, मिनट हो गया है, पूरा चलाते रहना तो ये क्या है बैठ जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा, ये देखिए दाल भी पक गया, चावल भी पक गया, भारी है ना। अब हम छोका लगाएंगे, अब घी डालेंगे, 2 चम्मच घी डालें, ये पकने थोड़ा सा गरम होने दीजिए, अच्छा घी को पहले थोड़ा गरम होने दीजिए, लाल मिर्च का जीरा हमने नहीं डाला क्योंकि जीरा पहले से ऑलरेडी सब्जी में भी डाले हैं
और खिचड़ी में भी डाले, भोग में भी डाले हैं। अब इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया पत्ती है, इसको कम से कम 2 मिनट के लिए ढक कर। ये फाइनल प्रिपेयर हो गया। हाँ, फाइनल हो गया है, देखिए पूरा भोग बना है। हाँ, तो अग्नि देवता चूल्हा में थोड़ा सा डालते हैं।